हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? तो जैसे हमने पहले कई आर्टिकल्स में देखा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, बोल रहे एक ही बार इलेक्शन करो, पैसा बचेगा। तो उसके ऊपर हमारे दिल्ली बेस्ड एक लॉयर है गौतम भाटिया, इन्होंने देखिए क्या बोला है। इन रिसेंट वीक्स देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग डिस्कशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन एट अ सेम टाइम, पॉपुलरली नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद डिटरमाइन हाउ दिस माइट बी इम्प्लीमेंटेड एंड वॉट मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस माइट बी रिक्वायर्ड टू मेक इट लीगल लीगल रियलिटी। हैविंग जनरेटेड फर्दर डिबेट, द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन आर टू फोल्ड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, दैट इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन एंड द इलेक्शनियरिंग, एंड सेकेंड दैट इट विल फ्री अप पोलिटिकल पार्टीज फ्रॉम बींग परमानेंट कैंपेन मोड एंड अलाउ देम फोकस इन गवर्नेंस एंड फॉर द मैटर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन फॉर द 5 ईयर पीरियड। तो ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है कि ऐसा होगा तो भाई एक पैसा बचेगा और पूरे साल गवर्नमेंट कैंपेन करने में नहीं लगाएगी, थोड़ा काम भी करेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट मुझको भी अच्छा लगा। देखते हैं पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स अगेंस्ट दिस। क्रिटिक्स हैज पॉइंटेड आउट दैट व्हेन यू क्रंच द नंबर द एक्चुअल फाइनेंशियल सेविंग्स आर रिलेटिवली मिनसुकल, पता नहीं क्या वर्ड है भाई, सर्च कर लेना। फर्दर मोर इट इज रिलेटिवली रिसेंट पैथोलॉजी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम कैंपेनिंग इन स्टेट इलेक्शन। इफ द कंसर्न देयरफॉर इज frequent state elections hamper governance and business of the parliament, then simultaneous elections seems a needlessly complicated answer when a simple one is available. The state election should be primarily focused by state party unit, while a national politician can get on the task of governance. The reality, however, is that the increasing centralization and presidential character of Indian election campaign mean that is unlikely to be टू बी अ रियलिटी इन नियर फ्यूचर। तो इन्होंने बोला भाई अगर यही प्रॉब्लम है कि ये सेंटर के भी आके यहाँ पे लोग कैंपेन कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन में और वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसा रूल ही बना दो ना कि वो सेंटर में आ ही ना पाए, वो अपना गवर्नेंस करे, सेंटर में सिर्फ सेंटर पार्टी जो रहे वो कैंपेन कर पाए। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन हो सकता है इसका। क्रिटिक्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन हैव रेज्ड अ फ्यू अदर ऑब्जेक्शन। फर्स्ट देखिए क्या है, द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन अ कंट्री ऑफ अ लिटिल ओवर 1.4 बिलियन इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर इवन स्टेट इलेक्शन नीड टू टेक प्लेस इन मल्टीपल फेजेस। द सेकंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा एक बार में, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि हम कम है भी नहीं, हम 1.4 बिलियन है, 150 करोड़ लोग भाई साहब। देखते क्या है, द सेकेंड द graver concern is that the incompatibility of rigid election timetable with some of the fundamental parliamentary democracy is well known as a time of independence central and state election were conducted simultaneously. The agreement broken down towards the end of 1960s because the use of article 356 of the constitution which authorized the union to suspend state government in a narrowly defined range of circumstances, but also and apart from this, the sense of parliamentary democracy all the times of the government must enjoy the confidence in the house, failing which it must step down and go back to people for a fresh mandate. Consequently, it is obvious that even if a legal and practical one is to able to synchronize central and state election for one cycle, this will break down the momentum of government fall. So yahi hoga, ek bar ho gaya to government fall hone mein bada problem hoga, matlab government nahi gir payegi. To this, two solutions have been proposed, both of which tend to make problem worse. The first is that the president's rule will be imposed in the states until 5 year period over. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे तो starting में कर दो तो वो भी center के अंदर आ गए एक तरीके से, तो ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे federalism खतरे में मेरे हिसाब से. Needlessly to say, this will undermine federalism and democracy. देखिए जो मैंने बोला था. The second क्या है? That election will be held in the state, but the term of new assembly will only be until the next cycle, which could be in a year or a 3 or 4 year. Not only does this undercut both the justification for simultaneous election cost and avoidance of the continuous campaign, but rather lead to preserve incentive example
How much governance will the state government be able to do if elections are scheduled in a year? तो पहला तो ये बोले कि भाई ऐसा करो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट अगर वहाँ से हटती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो पूरे 5 साल, अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में हट जाए तो पूरे 5 साल आप देखिए वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल रहे, तो ये तो गलत है, वो सेंटर कंट्रोल करेगा स्टेट को भी। तो दूसरा कह रहा है कि जो नई पार्टी आए, रिमेनिंग टर्म हो, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, उसके लिए नई पार्टी रहे, तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। जो 1 साल के लिए आएगा, मानिए फोर्थ ईयर में कोई सस्पेंड हो रही है गवर्नमेंट, उसमें फिर 1 साल के लिए कोई गवर्नमेंट आ रहा है, तो वो तो उसको जस्टिफिकेशन नहीं है ना। तो ये दोनों प्रॉब्लम, जो सोल्यूशन है वो जस्टिफाइड नहीं है। देखते हैं आगे क्या है। द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर हॉर्स ट्रेडिंग। द अपशॉट ऑफ दिस इज दैट देर विल बी स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड्स अवॉइडिंग द फॉल ऑफ गवर्नमेंट इवन वेन इट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द हाउस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स, एंड एज वी हैव सीन इन इंडिया, देर इज ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज रेमेडी फॉर दिस डिफेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग। इट इज नाउ बाय क्लियर दैट द 10th शेड्यूल प्रोहिबिशन ऑन हॉर्स ट्रेडिंग हैज बीन रेंडर्ड मोर एंड लेस डेथ लेटर। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, देखिए क्या। वाइल दिस इंट्रेसिबल इशूज पीक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन एट अ डीपर लेवल, देर आर टू प्रिंसिपल दैट इन इंटर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द आइडिया फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, ये बार बार मुझको खांसी आ जा रही है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। फर्स्ट लेट अस टेक फेडरलिज्म। ओवर द ईयर, देखिए ओवर द ईयर इट हैज इंक्रीजिंगली कम टू बी एक्सेप्टेड दैट इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट सिंपल अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट रिकोगनाइज द लेजिटिमेसी ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चरल एथनिक एंड अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एस्पिरेशन थ्रू द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। In this context, there is of course Indian democracy at a central level, but also at the level of each state democracy takes down its set of claim, demand, and aspiration. Simultaneous election risk a blurring of this distinct form of arenas of democracy, with risk that state level issue will be subsumed into national. This is inevitable given the cognitive dominance of the national, as well as the fact that national parties frequently campaign for नेशनल रजिस्टर फॉर। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो जो स्टेट का जो इशू है और स्टेट पार्टी जो इशू वो रेज करती है, वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म बहुत खतरे में आ जाएगा, अपना डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। वो क्यों होगा ना, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इशूज होंगे स्टेट के, अब वो नेशनल इशूज, वो नेशनल इशू के सामने दब जाएंगे। सिंपल सी बात ये रहे कह रही है, स्टेट के इशू अच्छे से एड्रेस नहीं हो पाएंगे। कीपिंग एब्सोल्यूट पावर इन चेक। A related point is that in our constitutional scheme, the federal structure is an important check upon the concentration of power. ठीक है, राज्यसभा और सेंट्रल लेवल पर जो पावर है उससे फेडरल स्ट्रक्चर कंसंट्रेशन ऑफ पावर को चेक करता है। द फेडरल स्ट्रक्चर इन टर्न इज सस्टेन बाय प्लुरैलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंटेस्ट एंड द प्लुरैलिटी ऑफ पोलिटिकल आउटफिट्स एट ए स्टेट लेवल। Simultaneous election for a reason pointed out above risk undermining that the जो मतलब अलग सारे ढेर सारे लोग वहाँ पे कैंपेन करते हैं, मतलब कैंपेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो नहीं होंगी फिर, और उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, और उससे क्या होगा, फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर जगह जब एक ही पावर आ गया तो फेडरलिज्म किस काम का। सेकेंड ऑन डेमोक्रेसी, डिस्पाइट द रिंगिंग वर्ड्स विच प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, द पीपल have very little space in constitution, especially when it comes to exercising control over their representative, unlike other constitution where public participation in law making is guaranteed right along with other rights such as right to recall. In Indian constitutional scheme, the election is only form of public participation in public sphere. There is a different conversation to be had about why this is not enough, but given this framework, relatively regular and frequent election allow more एक्सटेंडेड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिबेट। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पे देता है कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहीं पे हम लोग को इज्जत मिलती है तो वो इलेक्शन के टाइम पे मिलती है, उसके अलावा हम लोग नहीं जानते पब्लिक स्फीयर में क्या हो रहा है, हम तभी उठते हैं जब इलेक्शन हो रहा है। ऐसे फिर हम तो 5 साल में एक बार उठेंगे जब एक बार इलेक्शन होगा तो, और हम एक बार उठेंगे और हम अगर कोई कुछ गलत कर रहा है
तो हम उसको कैसे वो करें कि भाई ये गलत कर रहा है, हमारे पास भी पावर है शो करने के लिए, हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा, वो 5 साल में एक बार होगा, और वो हम लोग चीज़ों को भूलते भी जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज अलग अलग कई जगह पे होता है राइट टू रिकॉल है पीपल के पास, तो राइट टू रिकॉल मतलब उन्होंने चूज कर लिया किसी गवर्नमेंट को, उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद से वहाँ पे पब्लिक डिस्कशन में, पब्लिक स्पीयर में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, पर इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, वो है इलेक्शन के टाइम पे। इसलिए इलेक्शन यहाँ पे होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है 5 साल में एक बार करवा दो पैसे बचा लो तो, पर यहाँ पे लोगों को भी तो लगना चाहिए, उनके हाथ में पावर है, उनके लिए ही तो, उनका ही तो पैसा है, तो ये यहाँ पे कही जा रही है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स फ्रॉम साइमल्टेनियस इलेक्शन आर ओवरस्टेटेड एट बेस्ट एंड नॉन एग्जिस्टेंट एट वर्स्ट, हाउएवर द कॉस्ट बोथ इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इन कंसेप्ट इटसेल्फ आर सिग्निफिकेंट एंड क्रिएट अ नॉन ट्रिवियल रिस्क व्हेन इट कम टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द फेडरल एंड डेमोक्रेटिक डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस देयरफॉर आर गुड रीजन व्हाई द आइडियल इज अ बैड वन एंड ऑट नॉट टू बी एक्टेड अपॉन। यहाँ पे यही बोला गया, यहाँ पे पूरा बता दिया गया, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, फेडरल और डेमोक्रेसी कैसे, वहाँ पे चेक्स नहीं रहेंगे, और यही सब बात है। और यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा था कि कैसे प्रेसिडेंट रूल ले आए या रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए नई गवर्नमेंट को ले आए, तो ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो चल रहा है चलने दिया जाए, ऐसा नहीं हो कि हम लोग पूरे कटआउट कर दे पीपल को, एक बार 5 साल में एक ही बार पूछा जाए कि भैया क्या वोट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार लोगों के पास आओ, वोट मांगो, हम लोग तुमको बार बार अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। और फोर्थ यहाँ पे शेड्यूल 10th, और यहाँ पे ये जो हॉर्स ट्रेडिंग था वो, और हमारे लिए यहाँ पे, और हमने, और एक और चीज़ फेडरल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और यहाँ पे प्रियम्बल की भी बात हुई है, तो प्रियम्बल भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ हमारे लिए आर्टिकल में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।